हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आ गए हैं जी नासिक में लोनी डोसा ट्राई करने। यार देखते हैं, अंदर चलते हैं, पूछते हैं लोनी डोसा होता क्या है, कैसे बनता है, और ट्राई करके आपको बताते कैसा ही है। हमारे यहाँ पे ना लोनी स्पंज की स्पेशलिटी है, हमारे यहाँ पे डोसा और उत्तप्पा की वैरायटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास डोसा की, उत्तप्पे की। एक डोसा हमने पहले पुणे में देखी थी, स्पेशली ये सबसे पहले कर्नाटका की डिश है लोनी स्पंज डोसा करके। ये ऑर्डिनरी डोसा जैसा नहीं होता, जैसे मसाला डोसा वगैरह जो होते हैं उससे अलग ये लोनी स्पंज डोसा होता है। स्पंजी होता है जिसमें लोनी डलता है, इसकी वजह से इसको लोनी स्पंज डोसा कहते हैं। 12 mm का तवा होता है, इसकी वजह से ये खुलता है, अपने घर के तवे पे नहीं बन सकता है। एक इसमें तीन पीसेस आते हैं एक प्लेट में। हमारे बेटर में यहाँ पे चावल और उड़द की दाल मिक्स किया जाता है, थोड़ी सी मिर्ची डाली जाती है उसमें। इसमें चीज पंच है, बाकी सब ऑर्डिनरी। ये तवे के कारण ये थोड़ा सा फूल रहा है, इसमें बबल सारे फूल रहे हैं। लोनी अनप्रोसेस बटर होता है, ऑर्डिनरी बटर की जैसा नहीं होता, यहाँ पे अनप्रोसेस बटर होता है। लोनी डालने से एक अलग ही टेक्सचर आ जाता है उसमें प्रॉपर। एक्टर हमारा सुबह 8:30 बजे से लेके चालू होता है, रात को 8 बजे तक रहता है टोटल। पुणे में आप देखोगे तो ये हर जगह पे मिल जाएगा, यहाँ पे नासिक में हमने फर्स्ट टाइम चालू किया है, साल भर हो गया है हमको। काफी कम टाइम में बहुत फेमस हो गए हैं। दो चटनी के साथ एक सब्जी होती है और ये 3 पीस दिए जाते हैं एकदम टोटल। मिडिल क्लास आदमी को परवर्डेबल ऐसे सब है। एक पीस पान भी बनाना है, इनके 2 प्लेट बनाने। यहाँ पे चीज पंच करके अलग से दूसरी वैरायटी, इसमें पूरा चीज से पूरा भरा हुआ होता है। 70 रुपीज को मिलता है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस। इसके साथ साथ तो 3 चटनी आती है हमारे पास, जो एक नारियल की चटनी है ये जो डल रही है, होगी अभी टमाटर की चटनी है।
उसके साथ बटाटे बटाटे की सब्जी आएगी। प्लीज ये दो प्लेट बना भाई, इसमें डाल दो पहले जो पास की उसमें डाल दो। काफी इतना सब कुछ सिर्फ 30 रुपीज में आता है। तो यहाँ पे ये दो अंकल हैं जो यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम अनिल रमेश कोपरे। और सर आपका? मेरा नाम राहुल है। तो आप यहाँ पे काफी टाइम से आ रहे हैं? एक साल से। और कैसा लगता है यहाँ का डोसा? बेस्ट है। अच्छा जी, लोनी डोसा के लिए बेस्ट नासिक में जगह यही है? आप 100% सजेस्ट करेंगे सबको? क्या बात है, थैंक यू।